रिकॉर्डिंग करूं गुरु और ओम उच्चारण गुरु। तो सबसे पहले ओम शुरू करते हैं और फिर थोड़ी सी पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन और फिर समय और संख्याएं। तो आंखें बंद, ठीक है। तो आज सबसे पहले पुनरावृत्ति करते हैं, छोटी सी पुनरावृत्ति, वो जल्दी से हो जाएगी। मम जीवनिका पश्यति वा, आम पश्यामि न पश्यामि। ओपन योर आईज। नहीं, आपका स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है फिलहाल, अभी कुछ है नहीं। हाँ खाली है। हाँ, अब आया। श्वेत स्क्रीन अस्ति, श्वेत श्वेत यवनिका, श्वेत वर्ण जवनिका अस्ति। श्वेत नहीं, खाली को क्या बोलेंगे? खाली था स्क्रीन, रिक्त 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 जवनिका यवनिका, रिक्त यवनिका पश्यन्ति। बस, यदि आप खुद के लिए बता रहे हैं तो पश्यामि। पश्यामि रिक्त जीवनिका, ब्लैंक स्क्रीन। और इसी से मुझे एक और बढ़िया शब्द याद आया जो अभी, क्या नाम है उनका, डॉक्टर संपदानंद मिश्र, उन्होंने जब वो संस्कृत के बारे में बता रहे थे, तो जैसे हम भी पहले बात की, कई अलग-अलग शब्दों की मदद से हम दूसरे शब्द निर्माण कर सकते हैं। आचार्य महोदय, ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है आपके आवाज में जब आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे आवाज में डिस्टरबेंस है, आप अभी क्लियर है? हाँ, अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो जैसे कैमरा, तब कैमरा शब्द जो है वो, उसके लिए सीधा सीधा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जिस समय संस्कृत बनी थी तब तो वो होता नहीं था।
तो कैमरे के लिए हाँ छाया से जुड़ा भी हो सकता है शब्द। उन्होंने बोला कि कोई भी रूप, किसी भी चीज का रूप, तो आप कैमरे के अंदर से यदि देखते हैं तो चाहे वो नदी पहाड़ हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, किसी भी चीज का रूप उसमें अंदर आ जाता है, उसमें कैद हो जाता है बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैमरा को उन्होंने नाम बनाया रूप संग्राहक। रूप संग्राहक। और इसको छाया चित्र संग्राहक भी आप कह सकते हैं, तो वो भी सही शब्द होगा, वो भी चलेगा। छाया चित्र, क्योंकि अपन किसी न किसी चीज की इमेज ले रहे हैं, वो छाया चित्र संग्राहक। और संग्राहक दोनों में रहेगा, क्योंकि वो उसको जमा करके रख लेता है अपने पास, संग्रह कर लेता है। और ये चीज हमने शायद पहले भी थोड़ी बहुत की है। एक कौन सा बताया था, एक उत्पीठिका ना, मुआ जी ने बताया था कि गीता जी ने बताया था, उत्पीठिका। नहीं, चारू जी ने बताया था उन्हें, श्रृंगार उत्पेटिका, भोजन उत्पेटिका। हाँ, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, और इस तरह से। तो आपको यदि मूल शब्द समझ में आ गया तो उससे उसको उपयोग करके और कई सारे शब्द बन सकते हैं। अब मुझे इसमें एक और याद आ रहा है, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो जो मुख्य विषय है उससे भटक सकते हैं। पर मैं आपको ये ग्रह कार्य देता हूँ, फेनकम। कम तो फेनकम जो है, किसी को पता है क्या है? इट वॉशिंग मशीन बाय एनी चांस? यू आर क्लोज, आप पास आ चुकी हैं। डिटर्जेंट रिलेटेड समथिंग है, क्योंकि फेन मतलब झाग। तो फेनकम मतलब साबुन, कोटेड साबुन। इसलिए जो फेना फेना साबुन है ना, फेना ही लेना, फेना ही लेना। सबसे उपयुक्त नाम साबुन का वही है। और असल में हमने अभी लेना भी चालू किया है 2-3 महीने पहले, और बहुत ही अद्भुत साबुन है, बहुत ही बढ़िया वो साबुन मिलती है क्या आज भी? वो है। अरे सरप्राइजिंग है। अरे, और बहुत बढ़िया खुशबू मारता है, बहुत उससे कपड़े धोने में बहुत मजा आता है। क्या गीता जी? लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, लाइक सम इको काइंड ऑफ इट इज जस्ट रबिंग ईच अदर। अच्छा, एक मिनट, लेट मी चेक माई नहीं, माई साइड इज फाइन, सो आई एम ओके। आई थिंक दिस इज ओके, इट डजेंट मैटर, वन ऑफ अस, बट इफ वी आर ऑल ऑन म्यूट देन इट इज फाइन, ओके बट इफ आई एम ऑन म्यूट देन इट इज नॉट फाइन, बिकॉज देन यू वॉन्ट हियर एनीथिंग। बट दैट क्वेश्चन लास्ट वीक व्हेन वी वर जोकिंग अबाउट द नृत्य एंड ऑल दैट ना, माय सेंटेंस वाज ओके। आई वाज वांटिंग टू से दैट आई डिडंट नो दैट सॉरी, यू आर अवेयर, यू आर यू नो यू यू आर यू लाइक डांस लाइक भरतनाट्यम और समथिंग लाइक दैट। So, Mati ही is correct, or how will I say? I don't know. ज्ञातम Knowledge. न, ज्ञातम न। ज्ञातम ओके, ना। जैसे I मुझे said पूछना Mati है, मैंने कुछ ना बोला कि Mati. गीता महोदया उपविशतु, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आप बैठ जाइए उपविशतु, और मैं निवेदन कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अंत में तू लगाया है, उसका मतलब है कि प्लीज सिट डाउन। अब अभी आप अभी भी नहीं बैठी, तो मैं पूछने की कोशिश करूंगा, ज्ञातम वा मतलब आपको समझा क्या? डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू गेट इट? ज्ञातम वा मीन्स डिड यू अंडरस्टैंड और डू यू अंडरस्टैंड? What about Mati ही? I used Mati ही. मामा Mati, Mati ही ना Mati ही. मति ही आपने कहीं पे पढ़ा है क्या उसका यूसेज? क्योंकि मति का मतलब है बुद्धि, तो
मति ही इज जस्ट अ नाउन विच यू आर सेइंग बुद्धि, बट मति ही को आपको यदि क्रियापद में कन्वर्ट करना है तो उसका क्रिया कुछ और होगी। मति तो एक नाउन है, पर वो आपने कहीं पढ़ा है क्या? हैव यू रेड इट समवेयर और डिड यू जस्ट ट्राई इट? I think we use it in Telugu also sometimes. अच्छा, पर ठीक है, पर हाँ, भाषा का उपयोग अलग अलग हो it सकता है कि तेलुगु में उसका मीनिंग अलग हो सकता है। अलग तो नहीं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। मती मीन्स माइंड, माती मीन्स माइंड इन तेलुगु ऑल्सो. हाँ करेक्ट। एंड बिकॉज मती इज अ संस्कृत वर्ड, तो इट इज ऑब्वियस कि वो तेलुगु में भी माइंड ही है एंड संस्कृत में भी माइंड है। इवन हिंदी में भी यूज उपयोग होता है, मती हीन या मती मतिशील ऐसे बोलते हैं। बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, पर होता है, उपयोग होता है उसका। पर आप ज्यादा आसान जो शब्द है वो ज्ञातम व उपयोग करेंगी तो वो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे आपको बोलना है कि नहीं समझ में आए, तो आप बोलिए ज्ञातम न, कि मुझे नहीं समझा। हाँ और ज्ञातम, सिर्फ ज्ञातम कहेंगे तो मतलब समझ गया। आचार्य महोदय, मैंने एक श्लोक डाला था, शायद देखा ना हो आपने, ग्रुप ग्रुप पे ही में? डाला था. हाँ, मैं अच्छा, जो पुस्तक पढ़ रही हूँ उसी में था. अगर नहीं मिल रहा है तो मैं पढ़ के सुना, तो उसका मुझे तात्पर्य चाहिए तो हम इसको बीच में करेंगे अभी। था. जी जी पहले जी हम ये जो पुनरावलोकन थोड़ा सा छोटा सा है वो करते हैं और संख्याएं सीखते हैं, ठीक है? बीच में मैं आपको याद दिला दूंगा, आप श्लोक बता दीजिएगा, ठीक है? एकम क्षात्रा आगच्छति. नवीन छात्रा. हाँ, नवीन छात्रा अस्ति, शिल्पा महोदया। शिल्पा महोदया, नमो नमः। शिल्पा महोदय. शिल्पा महोदया नमो तो नमः. बैच 2 की छात्रा भी हैं, और आज क्योंकि वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चल रहा था तो उनको लगा कि ये भी अटेंड करना चाहिए। तो एक मिनट, तो पुनरावलोकन हमारा क्या है कि ये आपको याद होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम इस तरह से लिखते हैं, और एक बार हमने पहले भी इस तरह का एक तालिका बनाई है, मिलती जुलती थी, पर आज कुछ और देखते हैं। इसमें से कुछ कुछ जो है हमने पहले भी देखा है, तो आपको ये याद होगा कि सह सा और नपुंसक लिंग में दिस इज वह तत् तत् एतत् दैट, तत् हाँ तत्, ये दैट के लिए है, वो वह। हाँ यदि इसी को हमको यह करना होता तब ये सह का होता एषः, एषः एषा. सभी में ए लग जाएगा तो वो ये हो जाता है। मतलब कोई भी चीज जो आपके हाथों के रीच के अंदर है वो हाँ एषः। स्त्रीलिंग में एषा एषा, एषा और नपुंसक लिंग में एतत् एतत् एतत्। ठीक है, तो ये आपको समझा। और अब इधर मैं एक और क्वालिफायर लिखता हूं कि ये सब जो है एक वचन है ना? मतलब सह एक बालक या एक मनुष्य, सा एक लड़की, एक महिला, या कोई भी दूसरी स्त्रीलिंग वाली लड़की
चीजें, जैसे इवन लेखनी को भी हम सा कहते हैं, सा लेखनी, सा लता। हाँ और तत जो है नपुंसक लिंग में एक वचन, हाँ तत्पुस्तकम, तत्फलम। तो जो भी अक्षर, जो भी शब्द म पे ज्यादातर खत्म होते हैं अधिकतर, वो नपुंसक लिंग है। जो भी शब्द बड़ी ई या आकारांत या ईकारांत होते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं अधिकतर। हाँ और सारे नहीं, अधिकतर। हाँ अधिकतर, और हाँ जो अह पे खत्म होते हैं, जैसे बालकः, रामः, रामकृष्णः, ये अधिकतर पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो अब इतना तो आपको समझ गया। अब ये तालिका को हम आगे बढ़ाएंगे द्विवचन और बहुवचन के साथ। तो ये पहले हमने शायद एक किसी एक आध शब्द के लिया है, पर आज इन तीनों के साथ, तीनों लिंगों के साथ एक साथ लेते हैं, तो आपको थोड़ा और समझ काम में आएगा। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अच्छा ठीक है, तो चलो अभी किसी को याद है सह के आगे द्विवचन क्या होता है? यदि दो बालक हैं या दो, कोई भी पुल्लिंग दो चीजें हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ताओ सह तऊ, और बहुवचन में ते ते। सह तऊ ते, तो सह रामः, तऊ बालक का बालकौ, बालक और ते में थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि सह रामः दोनों अकारांत हो रहे हैं, तऊ हाँ बालकौ दोनों औकारांत हो रहे हैं, पर ते बालकाः। बालक तो जब बहुवचन में है तो पुल्लिंग शब्दों का, और ये स्त्रीलिंग में भी यही होगा, ते बालकाः। ठीक है, सह तौ ते। स्त्रीलिंग में द्विवचन क्या होगा? सा ते ता। ते तो ते बालिक बालिके, बालिके सा बालिका, ताह बालिकाः ताह बालिका। और बाकी लोग भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे। अभी मोहा जी दो तीन बार लॉग ऑफ, लॉग इन, लॉग ऑफ, लॉग इन कुछ 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 बोल रहे हैं, हाँ शायद वो अपना साउंड या कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी वो लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी फॉर सम रीजन, तो मैंने मोबाइल से लॉग इन किया। हाँ अच्छा, ठीक है, तो इतना समझा। हाँ मोहा जी आपको बीच में आप लॉग ऑफ लॉग इन हुई, तो ये चीज देखिए आपने, सहता उते साते हाँ हाँ ताहा। हाँ जी और तत् नपुंसक लिंग में क्या होता है, किसी को याद है? हाँ बहुवचन तानी होता है, तानी अस्तु, तानी द्विवचन पर थाने। द्विवचन स्त्रीलिंग के बराबर वही होता है, तत्ते तानी। तो तत्ते तानी, तो तत्
फलम तत् फलम ते फले फलते फले। अब इसको ध्यान रखना है कि जब हम संस्कृत में या हिंदी में भी बात करते हैं तो फ जो शब्द है फ, ये जो आपको दिख रहा है फल में, तो फ का उच्चारण फ ही होना चाहिए। संस्कृत में शुद्ध फ होता है, फ होता ही नहीं। फ जो हम कभी कभी कहते हैं फ, वो उर्दू का अक्षर है, तो उसका इधर कोई उपयोग ही नहीं है। तेलुगु में भी सेम है, फा ही होता है, फा नहीं है। हाँ फा इन। हाँ तो तत् फलम ते फले तानि फलानि। ते पुस्तकम में भी यही चलेगा, तत् पुस्तकम ते पुस्तके तानि पुस्तकानि। तो ये पुनरावलोकन था, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें हमने पहले देखी हैं, पर उसको सबको साथ में एक साथ रख के मैं दिखाना चाहता था। और इसी तरह जो ये एशह वाले शब्द हैं, जैसे यह वाले, क्योंकि ये सह तौते साते ता, ये सब वह है, मतलब जो भी आपके हाथ की दूरी से ज्यादा दूर पे हैं, उन उन चीजों या उन लोगों के लिए हैं। तो जैसे ये एशह एशा एतत है, वैसे ही इनके भी ये, लगाना चाहिए ना सामने हाँ बस। तो इनके भी वैसे ही चलते हैं, एशह एतौ एते एशा एते एताह एतत एते एतानी। तो सब में सिर्फ ए लगा दीजिए तो वो यह वाला हो जाएगा। सभी एक वचन द्विवचन बहुवचन सबके लिए। इतना समझा तो अब तो और एक भी है हाँ कहा का और किम प्रश्नवाचक। हाँ तो हाँ, वो उसकी उसमें भी यही होता है, कह का किम, तो ये प्रश्न है, किम फलम का बालिका कह रामह। तो जब हम यदि पुल्लिंग में देखते हैं तो कह कऊ के जो आपके तऊ ते हैं वही कऊ के हो जाएंगे, और स्त्रीलिंग में का के काहा, और नपुंसक लिंग में किम के कानी। तो सिर्फ क को लगाते जाइए त की जगह, तो वो बन जाएगा प्रश्नवाचक। अस्तु तो इनको भी लिख ही लेते हैं, कऊ तो कह कऊ के बालका मीन्स विच बॉयज, कऊ बालक विच टू बॉयज, सो का बालिका के बालिके विच टू गर्ल्स, काहा बालिका विच मैनी गर्ल्स, और फिर किम के कानी। कहानी कानी फलानी मतलब कौन से फल, ये प्रश्नवाचक। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं संख्याएं। तो संख्या का पहले हम एक रूप सीखते हैं, और उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा बीच बीच में, तो फिर मैं समझाऊंगा। एक
यहाँ पे लिखता हूँ पहले एकम द्वे अरे त्रीणि एकम द्वे त्रीणि हाँ और इसको संख्या में लिखते भी जाते हैं तो उसकी भी आदत पड़ेगी एकम द्वे त्रीणि। मीटिंग विल एंड इन 5 मिनट्स तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा सेम लिंक यूज करके त्रीणि चत्वारि पंच षट। इसके आगे का शायद आसान होगा आपने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े होंगे सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश। संस्कृत में ये ध्यान रखिए कि जब भी हम शब्दों के अंत को उच्चारण करते हैं तो वो अनलेस वो एक राम तरह का शब्द हो जैसे राम में म को अलग से ज्यादा नहीं बोलते पर दश में दश श अलग से आवाज आए तो अच्छा है तो वो शुद्ध उच्चारण होगा। जैसे आप पठती या लिखती कहते हैं तो ख और ठ जो बीच में हम बोलते हैं वो महाप्राण अक्षर उनको अलग से अच्छे से उसकी आवाज आनी चाहिए। पठती आप पठती नहीं कह सकते या लिखती नहीं कह सकते उसमें वो उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है तो अब ये तो आपको समझा पर ये अब मैं यहाँ पे ऊपर एक उसका लिंग लिख देता हूँ तो ये थोड़ा सा साफ होगा क्योंकि संख्याओं में थोड़ा सा अंतर है सिर्फ चार की संख्या तक। चार के बाद सब सब एक ही है पर चार के पहले जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में थोड़ा थोड़ा अंतर है क्योंकि आपको समझेगा क्योंकि चार के आगे जो है सब बहुवचन है कुछ भी एक वचन नहीं है और बहुवचन अधिकतर शब्दों के एक जैसे होते हैं तो इसलिए उन्होंने फिर कोई अंतर नहीं रखा चार के बाद। तो अब यदि आप पुल्लिंग में कहेंगे तो अब यदि बालक बोलना है बालक के लिए एकह बालकह तब आप एकम बालकम नहीं बोल सकते क्योंकि एकम जो है नपुंसक लिंग के लिए उपयोग होता है। ठीक है तो एकह एका एकम तो आसान है समझना आसान है एक बार उसकी उसको देखना समझ में आ गया तो वो हो जाता है। अब वैसी दो का है द्वयः एक मिनट द्वयः रुकिए इसको आपने वो देखा था बालकः बालकौ जो हमने ये सीखा देखा था ना सहतौते बालकः बालकौ बालकाः एक वचन द्विवचन बहुवचन तो ये उससे ही यहाँ पे प्रेरणा मिलती है द्वौ और स्त्रीलिंग में हमने देखा था इधर भी देखिए फिर से सा ते ताहा तो बालिका बालिके बालिकाहा तो जो द्विवचन है स्त्रीलिंग में उसमें बालिके लगता है
तो उसी तरह से यहाँ पे द्वे, तो द्व जो दो के लिए उपयोग होता है उसमें द्वे, तो ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक ही है, द्वे द्वे, और पुल्लिंग में द्वौ, बालकौ की तरह, एकः बालकः, द्वौ बालकौ। तीन के लिए त्रयः, त्रया त्रया तो पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः और स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्त्रः, थोड़ा सा अंतर है, और नपुंसक लिंग में त्रीणी। और आप ये भी देखेंगे कि पुल्लिंग में जो भी आ रहे हैं ज्यादातर उनमें एकः त्रयः, तो अह पे खत्म होता है, अह पे अंत होता है। हाँ ऐसे ही चार के लिए चत्वारह, चतवार और स्त्रीलिंग में तीन के जैसा है चतस्त्र। चतुस्त्र गीता जी शायद लोगों को नहीं, गीता जी हैं, ओके। तो चतुस्त्रः, तो अब इतना, सिर्फ इतना अंतर है, चार तक की गिनती में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग होता है। यदि आपको नहीं ध्यान में आ रहा, तब नपुंसक लिंग वाले जो शब्द हैं, अक्षर हैं, शब्द हैं, वो आप उपयोग कर सकते हैं, यदि ध्यान में नहीं आ रहा है तो। ये हमने पहले भी देखा है कि जब हमको कोई चीज़ नहीं पता है कि वो क्या है, तो मुझे पूछना है तत्किम कि वो क्या है, तो हम तत् उपयोग कर सकते हैं। जब हमको नहीं पता कि वो सह है या सा है, मतलब नपुंसक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, क्या है, तो हम सीधे तत्किम कह सकते हैं। तो नपुंसक लिंग का वो उपयोग है, आप प्रश्नों में या जब नहीं याद आ रहा, नहीं पता है, तब आप नपुंसक लिंग वाले अंक भी उपयोग कर सकते हैं, संख्या। संख्या बोध, संख्याओं का ज्ञान। और यहाँ पे आगे की संख्याएं भी लिख लेते हैं, पंच षट। चलिए मैं अगला जो लिख रहा हूँ वो क्या है, वो मोहा जी बोलेंगी। ये क्या है मोहा जी? सप्त उसका अगला गीता जी बोलेंगी। द्वे अरे सप्त के बाद, अष्ट अष्टम। हाँ। और अब शिल्पा महोदया, नव नव, अब नवीन दश जी। सॉरी तो इसको आप लोग कहीं कॉपी में, पेपर पे, कहीं ना कहीं लिख के अवश्य देख लीजिए, ये सारी जरूर संख्याएं साथ में बोलते जाइए। और मैं थोड़ा और आगे भी सकती हूँ, मेरे को थोड़ी सी और आती है आगे हाँ, आगे चलेंगे ना, पहले इतना 1 से 10 तक तो समझ में आए, फिर आगे भी चलेंगे।
कि उसका एक सॉलिड मैं बाद में बताऊंगी वो कि मैंने वो 16 तक क्यों सीखी है. 16 श्रृंगार या 16 व्यंजन? नहीं, मैंने विंसति ही तक सीखी है. कहाँ तक नवीन जी? विंसति ही, विंशति ही, 20 20 तक. Even I know till 14. I think you, I can guess that. आपका भी कोई नया दूसरा स्टोरी होगा गीता जी 14 तक. कैलेंडर में रहता है ना हमारे पहचान में. एग्जैक्टली. 14 के बाद पूर्णिमा आ जाती है या अमावस्या आ जाती है. एग्जैक्टली. चतुर्दशी. एक मिनट. मम चलचित्रं पश्यसि वा? चलचित्रं न, यवनिकां पश्यति पश्यामि. चलचित्रं चलनचित्रं न पश्यामि. ठीक है, कुछ तो इशू है. दिस सिस्को वेबेक्स is half fixed. अभी आधा ठीक हो गया है. At least it is recording properly. But वो जो hanging वाला issue था, that is still there. तो once the meeting ends in between, after that वो camera is still captured. तो वो camera doesn't release. तो आप zoom से webex को क्यों वापस आ गए? Just because they gave it back, they said ki wo update karke it will start working. So I tested the recording and everything and it was working. Okay. So and they said ki they have fixed everything. So I was believing ki even hanging problem is fixed, because hanging cannot be tested alone. If I am sitting alone, unless 30-40 minutes are crossed, that doesn't appear, the problem doesn't appear. तो वैसा भी है. ठीक है, चलो. तो अब हम इसके आगे के संख्याएं करते हैं. तो यहाँ पे लिखते जाते हैं. इसको क्या बोलेंगे महाजी? कौन सी? एकादश. 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 That's it, right? हाँ, एकादश. एकादशी जो कहते हैं वो दिन होता है, इसलिए कहते हैं. बट दश नहीं होता है, एकादश. हाँ, एकादश. दिन होता है का मतलब क्या बोला आपने? किसका मोहजी? मतलब एकादशी दिन होता है, इसका क्या मतलब है? आप जो आप क्या कहना चाह रहे थे नहीं समझी मैं. तिथि होती है ना, हम पंचांग में जब भी कोई चीजें देख कोई भी तिथियां देखते हैं तो वो तिथि है. तिथि क्या है? एक स्त्रीलिंग है. मतलब आप बोल रहे हैं कि ये दिनांक है जो कि स्त्रीलिंग है, तो इसलिए वो एकादशी की तिथि है, चतुर्थी की तिथि है. बिकॉज इट इज स्त्रीलिंग, इसलिए वो एकादशी चतुर्थी ऐसे बोलते हैं. चलो, शिल्पा महोदया ये क्या है? I'm not sure. द्वा से आपको ध्यान रखना है. जैसे दो की संख्या द्वा है ना, तो उससे आप द्वादश. और ये पंचांग से भी आप याद कर सकते हैं कि द्वादशी कहते हैं ना उसमें, तो उससे भी आ जाएगा.
द्वादश द्वादश। फिर नवीन महोदय ये क्या है? त्रयोदश। त्रयोदश। गीता महोदय आई विल आस्क यू आफ्टर 14। महामहोदय ये क्या है? महामहोदय एक सेकेंड, इसका उससे बहुत थोड़ा सा संबंध है, चत्वार चतस्त्र और चत्वारी से, बट थोड़ा संबंध है, पूरा नहीं है पर थोड़ा है। और यदि पंचांग का आप सोचेंगे तो एक सेकंड में याद आ जाएगा। पंचांग को सोचिए, एकादशी द्वादशी। आज है ना चौ चौ, आज है भी तिथि, मैंने देखी थी आज। हाँ, कल भी थी और आज भी है। जी जी जी, मैंने तो सुबह ही देखी है। अरे यार, चतुर्दश। चतुर्दश। तो ई की मात्रा पंचांग वाले तिथियों से आप हटा लेंगे तो ये संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, अब गीता जी ये अमावस्या नहीं है ना, ये पूर्णिमा भी नहीं है। पर ये बहुत आसान है, आप सिर्फ ये संख्याओं को देखते रहिए तो आराम से समझ में आएगा। जस्ट ऐड दशा टू इट, गीता महोदय महोदय पंचदश। हाँ, सावाश। उत्तम उत्तम उत्तम, पंचदश। सोलह थोड़ा, अब हाँ इसका थोड़ा सा अलग है क्योंकि थोड़ा सा संबंध है पर एक अलग संख्या है ये। शिल्पा जी कोशिश कर सकते हैं, ये क्या है? षटोदश। नहीं कह सकते, यदि आपको नहीं ध्यान में आए तो षटदश भी चलेगा। षटदश मतलब ये पूरा का पूरा शब्द और फिर दश, वो चलेगा यदि ध्यान में नहीं आया, पर असली शब्द है षोडश। षोडश षोडश षोडश, इसके आगे के सीधे सीधे हैं। तो मोहा जी सप्तदश, मतलब आप ये कह रहे हो? हाँ नहीं, तो सीधा सीधा है, सप्तदश सप्तदश अष्टदश अष्टदश नवदश विंशति। नव को लिखने के लिए एक और तरीका उपयोग होता है क्योंकि नव जो है कभी कभी यदि उसका दिशा हमने ठीक से नहीं बनाई, क्योंकि एक जो है आप देखेंगे कि एक में भी उस तरह का ही होता है, लेकिन एक में जो उसका मुख है वो बाईं तरफ होता है, नव में उसका मुख दाईं तरफ होता है। तो यदि इसको बनाते समय ध्यान नहीं दिया तो वो एक जैसा दिखने लगेगा। ये एक और नव में अंतर समझ में आ रहा है आपको? करेक्ट करेक्ट यस। तो इसलिए इसको लिखने का एक और तरीका होता है ये, और बिल्कुल उसी तरह अष्ट को भी लिखने का उसका मिल उससे कनेक्टेड तरीका है, अष्ट ये भी है। तो आपको ये भी कहीं कहीं किसी किसी पुस्तक में ये भी लिखा मिलेगा अष्ट और नव के लिए, वो कंफ्यूजन कम करने के लिए, ताकि वो एक और नौ में अंतर किया जा सके। और फिर विंशति ही, विंशति एक मिनट,
ठीक है, तो अब आगे के आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने, इट इज विम शति ही और वी शति ही। हाँ विम विम, वो मैंने अनुस्वार लगाना रह गया। हाँ विंशति। तो अब आगे का इसमें मैं एक शत पूछता शब्द हूं। क्यों आ रहा है? शत तो 100 होगा ना, हाँ ये आज, ये इसमें कई बार शति मैंने शब्द भी क्यों आ रहा विचार है? किया है। ये सभी में होता है, त्रिंशत में भी होता है, चत्वारिंशत में भी होता है, पंचाशत में भी होता है, षडति में भी होता है, सप्तशती में भी होता है। तो ये पूरे 90 तक जितने आते हैं, 90 ही, उसमें सब में 90 में नहीं आता, पर 80 तक जितने होते हैं उनमें सब में आता है शति। विचार अच्छा है पर ऐसा ही है। हाँ तो अब मैं प्रश्न करता हूँ आपको, उनके कुछ संख्याओं के बताने हैं कि कौन सा क्या है। तो शिल्पा महोदया, और पिछला पन्ना देखना है तो बता दो, मैं कभी भी दिखा सकता हूँ यदि इसमें से कुछ देख के उसको समझना। तो आप सिर्फ एक छोटी सी नियम मैं दिखा देता हूँ कि जैसे एकादश, तो 10 के ऊपर एक, तो एक और 10 इसको मिला के एकादश हुआ। वैसे द्वादश त्रयोदश आपको आगे के सारे दिखेंगे, अष्टादश सप्तदश। तो उसी तरह जो भी विंशति है आप इसको उपयोग करके अगला जितने हैं 20 22 24 वो सब बना सकते हैं। तो अब ये क्या होगा? द्वाविंशति। तो थोड़ा सा अंतर, द्विविंशति। द्वि द्वि और ये द्वि जो है ये अब आगे के सारे अंकों पे चलेगा। जैसे हमने ये द्वादश में तो देखा कि ये द्वा हो गया, आ की मात्रा लगी, और जब वो अकेला दो था तब सिर्फ वो नपुंसक लिंग में द्वे था और स्त्रीलिंग में भी द्वे था, पुल्लिंग में द्वौ था। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, लेकिन 20 के आगे जितने द्व वाले आएंगे और या बाकी भी त्र चतुर पंच ये सब आएंगे, सब एक जैसे होंगे। मतलब अब सब में द्वि ही लगेगा, उसमें अब द्वा या द्वौ कुछ नहीं लगेगा, सब में द्वि। तो द्वि त्रिंशत, द्वि चत्वारिंशत ऐसे होंगे। तो अब कोशिश करते हैं। चलो तो मोहा जी, अरे इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, हिंदी में भी लिख, मतलब संस्कृत में भी लिख देते हैं। हाँ मोहा महोदया, मोहा महोदया, हाँ, द्वि कैसे? 26 है ना, हाँ तो छब्बीस एकादश, एकादश में क्या हुआ था? अच्छा एकादश भूल जाइए, द्वादश में क्या हुआ था? षोडविंशति, सॉरी षट, षोडविंशति, षोडविंशति षट विंशति, षड। षट। अच्छा, हाँ एक मतलब जो षट। नंबर पीछे है वो वाली पहले आएगी संख्या। हाँ इसलिए तो मैं ओके आपको वो दिखा रहा था ना, द्वादश वाला अच्छा भी। अच्छा विंशति, तो जैसे हम सप्तदश कहते हैं, तो सप्तदश का क्या मतलब है? 7 और 10। तो 10 जो है ओरिजिनल वो तो है ही, टेंस प्लेस, और उसमें कितना जोड़ा? सप्त। तो
तो वो सप्तदश हो गया। तो वैसे ही अभी विंशति में क्या जोड़ना है वो पहले बोलेंगे, और फिर विंशति उसके अंत में लगा दीजिए, तो वो षट विंशति, सप्त विंशति, नव विंशति, ऐसे आगे बढ़ेगा। I got it. तो गीता महोदय ये क्या है, किम संख्या? हाँ इंग्लिश में नहीं, संस्कृत में। अष्ट अष्टविं अष्टविंशति। अष्टविंशति, अब हम इसमें कुछ बैटरी की गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। ये क्या है? 30 इसका मैंने बताया नहीं अभी, पर फिर भी त्रिंशत् त्रिंशत्। ठीक है, तो यदि हमको ये जीरो प्लेस वाला शब्द पता है तो हम इसके आगे के सारे आराम से बना सकते हैं। तो अब मोहा जी इसको कोशिश कीजिए। सेकंड आचार्य जी, मुझे एक डाउट आया है, अगर 24 है तो 24 को हम लोग कैसे बोलेंगे? चतुरी, चतुर, चतुर, चतुर। तो ये चतुर, चतुर्दश था ना 14 में, तो वैसे ही चतुर्विंशति। नहीं, कंफ्यूज्ड, क्योंकि षट हम लोग ले रहे हैं, हम लोग षोडश नहीं ले रहे हैं ना, जब 26 लिखते हैं तो हम लोग षट लेते हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, तो फिर इसलिए तो मैं बोला कि 20 के आगे जितने अक्षर जैसे आने वाले हैं वो आगे सब संख्याओं पे बिल्कुल वैसे ही के वैसे रहेंगे, फिर कुछ नहीं बदलेगा। तो जैसे द्विविंशति, तो द्वि जो है आप देखेंगे तो द्वादश से भी मिलता जुलता नहीं है, अलग है, और न वो द्वि कहीं पहले उपयोग हुआ है। दो को जब हमने सिंगल अकेला दो लिया था तब भी द्वौ द्वे द्वे था, द्वि तो कहीं था ही नहीं, जी है ना। ये तो सिर्फ 20 वाली लाइन में नया परिवर्तन आता है, और वो नया परिवर्तन जो है आगे हर अंक में चलेगा, वो 30 में भी चलेगा, 40 में भी चलेगा, 50 में, सब में वही चलेगा, फिर इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा, मतलब इधर जो आपने उपयोग किए हैं। जैसे षोडश में भी आगे जाके यहाँ 20 वाले लाइन में बदल जाता है, षट हो जाता है, और षट जो है अब सब जगह चलेगा, षट त्रिंशत, षट चत्वारिंशत, तो आगे के सभी अंकों में वही चलेगा। तो इसलिए थोड़ी सी संख्याएं सीखना आवश्यक है। चतुर्विंशत हो जाएगा, 24 ये लिखा ना, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति। तो एक ये इसका मैं किससे पूछ रहा था, चलो शिल्पा महोदय त्रिंशत, एकम एकत्रिंशत या एकम त्रिंशत? एकत्रिंशत, 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 उत्तमम। गीता महोदया पंचविंशति, पंच विंशति, विंशति तो 20 है ना, त्रिंशत्, पंच त्रिंशत्, त्रिंशत्, हाँ
नवीन महोदय अष्टत्रिंशत्। महामहोदय जी, सो आचार्य, फॉर ऑल 20 नंबर्स कमिंग अंडर 22 इट बिकम्स टी, राइट? द लास्ट लेटर अष्टविंशति, हाँ षड्विंशति, करेक्ट? करेक्ट, ओनली फॉर द 20 लाइन, बिकॉज द ओरिजिनल 20 इज विंशति, सो दैट इज व्हाई एवरी 20 till 29 you will make ek vinshati, dvi vinshati, tri vinshati, chatur vinshati, like that. Now, and for all the rest of the ones, until 80 you said, no? 89 maybe. We will see. It will change. We will see. So just know this number. So if you know 30, 40, 50, 60, those numbers if you know, then you can make the rest. Okay. Astra. Because from 60 it will change again. So I don't want to make a rule like that. It will always be Trinshat, Chatvarinshat. महामहोदय बोलिए। महामहोदय आपको आवाज आ रही है? जो भी एक्स्ट्रा नंबर है वो पहले हम बोलते हैं, तो हाँ आप, एक 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 हाँ एक चत्वारिंशत, हाँ एक चत्वारिंशत, उत्तमम। अब देखो नंबर बड़े होते जा रहे हैं संस्कृत में लिखने में, स्पेलिंग, हाँ शब्द बड़ा होता जा रहा है, तो गीता महोदय त्रयोचत्वारिंशत्, वाज दैट राइट? त्रयो चत्वारिंशत्, त्रयो चत्वारिंशत्, हाँ उत्तमम्, त्रयो चत्वारिंशत्। नवीन महोदय आपके वो अभ्यास पुस्तक में संख्या है क्या? नवीन महोदय की आवाज नहीं आ रही, क्षम्यताम, चत्वारिंशत् तक है अभ्यास पुस्तक में। अच्छा, 44 तक है उसके आगे, ओके। तो इसको आप 34 भी कह सकते हैं, इसके आगे जो है ज्यादातर अंकों में त्रि लग जाएगा, जैसे विंशति में भी त्रि, त्रिंशत में भी त्रि कह सकते हैं, त्रि त्रिंशत, त्रिविंशति, त्रिचत्वारिंशत्, त्रिविंशति, त्रिचत्वारिंशत्,
स्वारिंशत शिल्पा महोदया उत्तमम् षट् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् महामहोदया अष्टचत्वारिंशत् नव 49 अच्छा नौ नव 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 चत्वारिंशत् नव चत्वारिंशत् तो 44 को चतुर्चत्वारि चतुर्चत्वारिंशत् अच्छा सुंदर शब्द है चतुर्चत्वारिंशत् चतुर है बहुत ये वैसे सारे चार वाले चतुर ही हैं 24 भी चतुर है चतुर्विंशति चतुर्दशी भी चतुर है ठीक है ये क्या होगा गेस पंचविंशति पंचविंशति तो इधर पंचविंशति क्या है ठीक है अब मुझे ये बताइए कि व्हाट इज पंचविंशति सॉरी पंचविंशति इज 25 हाँ करेक्ट हाँ सो 50 इज पंचशत पंचाशत पंचाशत उत्तमम तो अब आगे के आप लोग आराम से बना सकते हैं जैसे पंचाशत द्विपंचाशत हाँ तो अभी लाइन से बोलेंगे पहले मोहा जी बोलेंगे फिर नवीन जी बोलेंगे फिर शिल्पा महोदय फिर गीता महोदय ठीक है तो पंचाशत वाली लाइन का चालू कीजिए मोहा जी पंचशत नहीं पहला पहला अभी जो मैं लिखा हूँ वो नहीं आपको एक से ही चालू करना है तो एक अच्छा अच्छा हाँ एक का पंचशत ठीक है नवीन महोदय द्विपंचशत फिर शिल्पा महोदय त्रयो पंचाशत तो अभी या त्रि पंचाशत हाँ त्रि ज्यादा उपयोग में आता है तो त्रि अपन उपयोग करेंगे त्रि पंचाशत फिर गीता महोदय चतुर पंचाशत मुआजी पंच पंचाशत षट पंचाशत सप्त पंचाशत अष्ट पंचाशत मुआ महोदया मेरे
को ब्लैंक हो गया था, कहाँ पे नव पंचाशत अष्ट तक हो गया, तो अष्ट के बाद एक ही बचा। ठीक है, फिर आया 60। 60 को बोलते हैं नहीं षड्ति ही। तो फिर ये ऐसे क्यों बोलते हैं षष्ठी पूर्ति, तो उसमें षष्ठ शब्द क्यों आता है फिर, ये षड्ति है तो। तो षष्ठी पूर्ति किसको बोलते हैं पहले तो आप मुझे ये बताइए। 60th बर्थडे जो होता है ना, षष्ठी पूर्ति बोलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना, षष्ठी पूर्ति है ऐसे बोलते हैं जब 60th बर्थडे की। अगर एक्चुअली वो षड्ति ही रहता है, लेकिन वो षष्ठी वो बोलने में इजी जो हो जाता है ना, वो सब बोलने लगते हैं। इट इज एक्चुअली षष्ठी पूर्ति, अपभ्रंज की तरह षष्ठी भी है, मैंने वो भी देखा है। तो असल में दोनों उपयोग कर सकते हैं। हम संस्कृत भारती की किसी पुस्तक में यदि संख्याएं मिलेंगी तो उसमें भी देख के पक्का कर लेंगे। पर ऐसे पाणिनि की व्याकरण में कई शब्दों के मल्टीपल उपयोग भी हैं, जैसे ये त्रयो चत्वारिंशत और त्रि चत्वारिंशत दोनों काम में आ सकता है। उससे सुनने वाले को या बोलने वाले को समझ में तो आ ही जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो षष्ठी ही जो है ये भी ठीक है, और षड्ति ही जो होता है वो भी उसी का एक तरीका है लिखने का। तो अब हम आगे के सीधे दश वाले नंबर ही लिखते हैं, दश वाली संख्याएं। तो गीता महोदय इसका क्या होगा सोचा है? षष्टाप्ति, षष्ट कैसे हो गया, ये तो सप्त है ना। सॉरी सॉरी, आई थॉट इट वाज 80, आई गॉट द रॉन्ग। सप्तति और उसी तरह अष्ट में थोड़ा सा अंतर है। इट इज अशीति ही, अशीति और विसर्ग यदि लगा देंगे तो अशीति ही। तो अब विसर्ग हर एक में लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी जैसे एक त्रिंशत चतुर्विंशति ही, तो अशीति। फिर अगले पृष्ठ पे लिखते हैं, अरे नया पेज बनाना पड़ेगा। तो आज तो समय तक हम पहुंचे ही नहीं, सिर्फ एक छोटा सा ट्रायल ले लेंगे समय का, शत के बाद, 100 के बाद, और फिर हम अंत करेंगे कक्षा का। ये क्या होगा मोहा महोदय? ये आसान है, ये सरल है। नवती है, नवती नवती। और ये क्या है शिल्पा महोदय? शतक, शतम, शतम। तो ये जो तिह लग रहा है ये सारे 100 से छोटे वाले संख्याओं में आता है, 50, 60, 70, 80, 90 इन सब में आता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ मोहा महोदय। अस्य कक्षा
कदा प्रारंभ भवति महामहोदय? अस्य कक्षा सप्त घंटे को क्या बोलें? हमने प्रयोग किया है वादने, वादन, वादनम, प्रारंभ। तो आपने क्या बोला? अभी मैंने, मुझे नहीं सुनाया है। सप्तवादने प्रारंभ। कक्षा सप्तवादने। सप्तवादने प्रारंभ भवति। ठीक है, तो आपको जो होल नंबर्स हैं समय के, वो तो समझ में आते हैं। जैसे अभी शिल्पा महोदया से पूछते हैं, किम समय शिल्पा महोदय? क्या बोलेंगे इसको? देखो, वादने जो है, वादन जो है हम बजे के लिए उपयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना 7 बजे, 6 बजे, तो वादन जो है वो बजे है, और उसके आगे सिर्फ आपको अपना संख्या लगानी है। तो त्रिवादन, नववादन। त्रिवादन, चतुर्वादन, पंचवादन, ऐसे त्रिवादन। तो त्रिवादनः अस्ति। त्रिवादनः अस्ति। गीता महोदया, किं समयः? नववादनम् अस्ति। तब वादन, नववादनम उपयोग करते हैं कि त्रिवादन उपयोग करते हैं? वादनम वादनम ज्यादा सही है, क्योंकि वादनम जो है, क्योंकि हम समय की बात कर रहे हैं जो नपुंसक लिंग है, तो त्रिवादनम यदि उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा सही होगा। त्रिवादनम। नववादनम, त्रिवादनम। अभी अगली कक्षा में, आज तो समय हो गया है, तो अगली कक्षा में हम जो रैंडम टाइम्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये है ऐसा, तो ये क्या बजा है, तो हम ये सीखेंगे आगे के, अगली कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में। तो मैं उसका आपको एक हिंट दे देता हूँ। जब भी संस्कृत में क्या होता है, 1/4, चौथाई, हाँ, सपाद, 1/4 को पाद कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो जब भी हम, हमारा समय जैसे हो रहा है 8:15, सपाद, अष्टावक्र, तो 3 शब्द हैं, सपाद, सार्ध पादोन। और पादोन। नहीं समझी है, सपाद सार्ध। सार्धम मस्ट बी हाफ, आई थिंक हाफ एन आवर, दिस मस्ट बी करेक्ट। 45 मिनट्स। नहीं, बट सपाद स किस लिए लगा? स साथ में,
तो पाद के साथ मतलब विथ 15 विच मीन्स एडिशनल 15. स इज फॉर एडिशनल, स आर्ध तो विथ हाफ. तो ये हिंदी में इक्विवेलेंट क्या है इसका? सपाद का है सवा सवा, और आधा तो आधा हम इसको साढ़े कहते हैं, 8.5 10 ऐसे बोलते हैं, तो आर्ध नहीं उपयोग करते. और पादोन का है पौन, पौन या पौना बोलते हैं, 10.5 9 11 ऐसे जो बोलते हैं. तो ये मैंने अभी आपको हिंट दे दी है, अब अगली कक्षा में हम इनको अलग अलग समय और सब सीखेंगे. अस्तु. तो ये संख्या में हिंदी में इतना डिफरेंस क्यों आ गया संस्कृत का संख्या से और हिंदी का संख्या से? इतना देयर इज वेरी वाइड रेंज ऑफ डिफरेंस, राइट? नहीं.